बच्चों, आज हम महाभारत पाठ से भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे तथा यह पाठ मैं आपको सार रूप में समझाऊंगा। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करने के बाद शांतनु ने उसे राजकुमार बना दिया और इस प्रकार से 4 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा तथा उससे विवाह करने की याचना की। इस पर सत्यवती ने कहा कि आप मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवट ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। शांतनु शर्त मंजूर ना कर सके, वे गंगा पुत्र के अतिरिक्त किसी और को सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहते थे। राजा नगर को लौट आए तथा निराश रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता के दुख का कारण पूछा तो राजा शांतनु ने उन्हें गोलमोल बातें बता दी, लेकिन बुद्धिमान देवव्रत समझ गए कि बात कुछ और है, इसलिए उन्होंने सारथी से सारी जानकारी प्राप्त कर ली। सारथी से जानकारी प्राप्त करने के बाद वे केवटराज के पास गए तथा उन्होंने उनकी केवटराज से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने फिर से वही शर्त दोहरा दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इस पर भी केवटराज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूं? केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो? देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी जिस कारण से वह भीष्म कहलाए। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव व पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक भीष्म स्कूल के नायक व पूज्य रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम कुछ इस प्रकार से रहा। सबसे पहले शांतनु। शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा तथा सत्यवती। गंगा से शांतनु के 1 पुत्र हुआ देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म कहलाए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से विचित्रवीर्य को धृतराष्ट्र पैदा हुए तथा अंबालिका से उन्हें पांडु की प्राप्ति हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। बच्चों, यह थी भीष्म प्रतिज्ञा। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं।